अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। 2 किलो गोश्त तो दो यार। गोश्त तो जी खत्म हो गया, ये भी बस तू बंदा जिम्मा करवा के गया बाजार सामान लेने, बस आता ही होगा, आप किसी और से पता करें। क्या मतलब खत्म हो गया? तू मुझे जानता नहीं है? इलाके के काजी से बात कर रहा था। कानून से पंगे चंगे नहीं होते बेटा, तो सब पता है। तू बगैर तकबीर के आवाज को गोश्त बेच रहा ना, मैंने अभी अदालत लगा लो, तेरी चमड़ी उतार देनी है। आप तो जी महसूस कर गया, कानून के लिए तो मेरी जान भी कुर्बान, लेकिन वो बंदा बड़ा ही डांट है, माड़ा आदमी है जी, मैं क्या करूंगा। अगर वो आ गया तो अब आया ना लाइन पे, परेशान ना हो। तेरे दिल में कानून के लिए इतनी इज्जत है ना, तो कानून का भी फर्ज बनता है तेरे लिए कुर्बानी। हो जा पाए उसे कह देना तेरी बोलगी उड़गी, उसे मैं खुद संभालूंगा। परेशान नहीं होना, चुप करके चापर में डाल दूंगा। हाँ जी भाई जान, मेरे गोश्त तैयार हो गया जी। गोश्त कहाँ से तैयार हो गया? तू बाजार गया, तेरी मुर्गी फुर करके उड़ गई। ओ भाई ऐसे कैसे फुर होगी, मैं खुद ज़िबा करवा गया हूँ, तेरा मुंह सूख चुका है, अभी ज़िबा कर दूंगा तुझे। गोश्त ला मेरा इधर। 30 रुपए की मुर्गी के लिए लाखों के सर को हाथ डाला हुआ तूने? डाल दूंगा भाई, पैसे रख मेरे इधर वापसी। जान नहीं है जोता कर ले, जान नहीं है। चल मैं अभी तुझे काजी के पास लेके जाता हूँ। चल चल काजी कौन सा करने लगा? चल उठ बाहर चलते हैं। चल काजी के पास लेके जाता हूँ। अरे रुक रुक, वो देख वो दो लोग लड़ रहे हैं, पहले उनको सुना करवा के फिर काजी साहब के पास जाना है हमने। रुको रुको, मुर्गी वाले मसले में तो काजी बचा लेगा, लेकिन आग का मसला मेरे लिए अजाब बन जाएगा। चल काजी के पास। क्यों पकड़ा हुआ है इस शख्स को? काजी साहब मुझे इंसाफ चाहिए, मैंने इससे मुर्गी ज़िबा करवाई, इसने गोश्त मेरा आगे दे दिया, बोलता कि मुर्गी फुर होगी। मेरे पास सुना शख्स, क्या तू इस बात को मानता है? तेरा ईमान है कि हमने मरने के बाद दोबारा जिंदा होना? ईमान है तेरा है। तो तेरा इस बात पे यकीन क्यों नहीं है कि मुर्गी दोबारा जिंदा होगी, उड़ गई होगी? बोलो। मुझे आपका फैसला मंजूर है जी, मैं आपकी बात से मुतमिन हूँ, मैं इसको माफ करता हूँ। तू मेरे इंसाफ से राजी है? राजी। तुमने दिल से माफ किया? दिल से माफ। मेरे इंसाफ को दिल से माना है जी, और मेरे लिए दुआ किया करो, मैं किसी तरह तुम लोगों के दरमियान रहूं और इंसाफ करता रहूं। कहो आमीन। आमीन। अगला मुकदमा सामने आया। काजी साहब, काजी साहब, इस पागल आदमी ने मेरी आंख जाया कर दी, कसास है ये, कसास। जालिम, किस तरह तुमने उसकी आंख जाया की? अब इस भाई में कुछ कहना चाहोगे? जी जी, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा। काजी साहब, ये दो लोग लड़ रहे थे, मैंने खुदा की रजा के लिए इनमें सुलह करवानी चाहिए। जैसे ही मैं करीब आया, इस शख्स ने अपनी आंख मेरी उंगली में घुसेड़ दी। मेरा कोई गुनाह नहीं है इसमें, इसने खुद अपनी आंख मेरी उंगली में डाली है। ठीक हो गया, मैंने तेरी भी बात सुन ली है और तेरी भी बात सुन ली है, अब फैसले का टाइम है। तुम्हारी आंख हादसाती तौर पे जाया हुई है, तुम्हें इसका आधा कसास मिल सकता है और आधा कसास तुम नहीं ले सकते। अगर तुम्हें इसका पूरा कसास चाहिए तो ये शख्स जो मेरे सामने बैठा है, ये तुम्हारी दूसरी आंख भी निकालेगा, तब इसके बदले तुम इसकी एक आंख निकालोगे, तब तुम्हारा कसास पूरा होगा। क्या तुम मेरे फैसले से राजी हो? बताओ। भाई साहब, मैं आपके फैसले से राजी हूँ, मैं इसको अल्लाह की रज़ा के लिए माफ करता हूँ। हाँ भाई, तेरा क्या मुकदमा है? काई साहब, इस शख्स ने मुझ पर बड़ा जुल्म किया। काई साहब, काई साहब, इसने मेरी दुनिया उजाड़ के रख दी। काई साहब, इसने मेरे अबू का कत्ल किया, इसने के मुंह वाले ने। मुझे कसास चाहिए काई साहब, मुझे कसास चाहिए। जुल्म, इतना जुल्म, मेरे इलाके में कत्ल, इस शख्स ने कत्ल किया, किस तरह किया मुझे पूरी बात बताओ। बुधवार के साथ सो रहे थे, इस शख्स ने ऊपर छलांग लगा कर मेरे अबू का कत्ल किया। काजी साहब, मुझे कसास चाहिए, कसास कत्ल के बदले कत्ल चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए मुझे काजी साहब। मैंने तेरी पूरी बात सुन ली है, तेरे साथ जुल्म हुआ है, तुझे पूरा कसास मिलेगा। जिस जगह इस शख्स ने तेरे बाप को मारा है, उस जगह पे तू इसके ऊपर छलांग मारेगा और ये मर जाएगा और तुझे तेरा कसास मिल जाएगा। काजी साहब, ये थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो इसकी जगह तो मैं मर जाऊंगा। अच्छा, ये आगे पीछे हो गया तो तू मर जाएगा,
तेरा बाप नहीं अगे पीछे हो सकता सी, इंसाफ लेने सौखे ने। हां जी हां जी।